द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और विदड्रॉल ऑफ द मानसून विंड्स बिगिन इन मिड सेप्टेम्बर। रिट्रीटिंग मानसून या मानसून का विदड्रॉल यानी इसका जाना वाली जो हवाएं हैं, यानी मानसून जब ख़त्म होने लगता है, गिरता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, इसमें जो हवाएं चलती हैं ये मिड सेप्टेम्बर से शुरू होकर के मिड नवंबर तक चलती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द सन मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सन जो है वो मूव हो जाता है इक्वेटर की तरफ, रिजल्टिंग इन कूलिंग डाउन ऑफ द मेन लैंड। इसकी वजह से जो मेन लैंड है वो ठंडी पड़ने लगती है। द सीज हाउ एवर रिमेन वार्म। समुद्र हमेशा की तरह गर्म ही रहता है। नाउ द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब क्या होता है, जो ठंडी हवाएँ हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन्स से चलती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टुवार्ड्स द हाई प्रेशर सीज, और ज़्यादा प्रेशर वाले जो सीज का एरिया होता है वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं। ऑन देयर वे द विंड्स पिक अप मॉइस्चर। अपने रास्ते में ये समुद्र से नमी को उठा लेती हैं, बे ऑफ बंगाल से, एंड कॉज रेन इन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, जो वाटर बॉडीज़ के किनारे हैं, वहाँ पर बारिश होने लगती है। इट इज़ ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून दैट तमिलनाडु रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। यही वो वजह है कि ये घटता हुआ जो मानसून है या जाता हुआ जो मानसून है वह तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश लेकर के आता है। ऑल्सो द लो प्रेशर ओवर द बे ऑफ बंगाल कॉजेज साइक्लोन्स। लो प्रेशर की वजह से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर होता है, कम दबाव होता है, इसकी वजह से तूफान वहाँ आने लगते हैं। टू डेवलप विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जीवन को हानि होती है, जीवन को परेशानी होती है, और बहुत ज़्यादा संपत्ति भी, रुपया पैसा बर्बाद हो जाता है अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ फीचर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। मानसून विंड्स यानी मानसून की जो हवाएं हैं उनकी दिशाओं की वजह से और रिलीफ फीचर्स की वजह से भारत में जो बारिश है वो असामान्य तरीके से बटी हुई है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 120 सेंटीमीटर। भारत की जो औसत सालाना बारिश है वो 120 सेंटीमीटर है। राजस्थान गेट्स लिटिल और लो रेनफॉल। राजस्थान में बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, जबकि जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 रेनफॉल रीजन्स। इसके अनुसार भारत को 4 रेनफॉल रीजन्स में बांटा गया है, वेरी हैवी, हैवी, मॉडरेट और स्केंटी। द रीजन्स लाइंग ऑन द विंडवर्ड साइड लाइक द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ऐसे इलाके जो कि हवाओं की दिशाओं में हैं, जैसे कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी जो घाट हैं उनकी जो पश्चिमी ढलाने हैं, ठीक है, घाट का मतलब जो हमारे समुद्री किनारे हैं, ठीक है, उनकी जो वेस्टर्न ढलाने हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय जो हमारे मैदान हैं, एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और कुछ उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दीज रीजन्स रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। मासिनराम इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर 1,142 सेंटीमीटर बारिश हर साल होती है, जो कि मेघालय में चेरापूंजी के पास है। रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाले जगहों में से एक है। पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न यानी उत्तरी मैदानों के हिस्से, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न कोस्ट हो गए, एंड सम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। रिसीव रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। मॉडरेट रेनफॉल यानी न कम ना ज़्यादा, मतलब भर की बारिश जो है हमारी वो यूपी में, हरियाणा, नॉर्दर्न पंजाब, गुजरात, ईस्टर्न राजस्थान और दक्कन प्लेटू में होती है। दक्कन प्लेटू यानी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाके। अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव इन दीज रीजन्स इज बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो बारिश की क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक है। रीजन्स दैट रिसीव स्केंटी रेनफॉल, ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, उसमें थार क्या रेगिस्तान है हमारा, थार डिजर्ट्स है, रन ऑफ कच्छ ये भी डिजर्ट है, गुजरात में है आपका, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न हिस्से और हरियाणा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन दीज रीजन्स, इन रीजन्स में अगर हम बारिश की क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।